अब देखो प्रैक्टिस सेट 5.3, ठीक है, हमारे इवेंट से रिलेटेड है, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा इवेंट उससे रिलेटेड, तो सैंपल स्पेस और इवेंट हमें बनाना है। देखो क्या है क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन आपको अलग अलग छह एग्जांपल दिए इसमें। सो राइट द सैंपल स्पेस यस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, तो आपको एक्सपेरिमेंट दिए यहाँ पर अलग अलग, तो नंबर वन ये है इस तरह से, नेक्स्ट फाइव और एक्सपेरिमेंट है वहां पर। ऑल्सो राइट इवेंट्स ए बी सी, और आपको तीन कंडीशन दी रहेगी, तीन इवेंट्स दे रहेगी, उनको भी हमें लिखना और उनके सैंपल पॉइंट्स लिखना, पहला देखो, पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, वन डाई इज रोल, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कर लेंगे आप। और वन डाई इज रोल बहुत इजी है, एक डाई रोल किया तो सैंपल स्पेस, तो हम पहले एक्सपेरिमेंट लिख लेंगे, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वन डाई इज रोल, ये एक्सपेरिमेंट है, देयरफॉर यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स खत्म, क्योंकि एक ही डाई थ्रो किया, तो एक डाई थ्रो किया तो कितनी पॉसिबिलिटी, छह पॉसिबिलिटी, तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा या पांच आएगा या छह आएगा, तो एन ऑफ एस क्या हो गया, सिक्स हो गया पहला हमारा। अभी हम इवेंट्स की तरफ, तो नंबर वन दे देंगे हम इवेंट ए, इवेंट ए क्या होगा, क्या दिया पहले कंडीशन लिख लो, इवन नंबर ऑन द अपर फेस, therefore a is equal to क्या होगा, पहले लिख लेना जो इवेंट दिया है, और फिर नीचे में सिर्फ डायरेक्ट a is equal to सेट बनाएंगे उसको, तो सेट क्या होगा, इवन नंबर से, अब इवन नंबर कौन से, इनमें से ढूंढना है टू फोर और सिक्स, तो क्या होगा ये टू फोर सिक्स हो गया खत्म, तो n ऑफ a क्या हो जाएगा, थ्री, उसके सामने लिखो या नीचे लिखो, ठीक है, n ऑफ a। उसके बाद में सेकंड, सेकंड इवेंट क्या है, इवेंट बी ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, यहां लिख लेंगे इवेंट ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या सेट बनेगा, ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से है, वन थ्री फाइव, ठीक है, सो वन थ्री एंड फाइव, तो फिर से एन ऑफ बी थ्री थ्री हो जाएगा, ठीक है। थर्ड इवेंट क्या, इवेंट प्राइम नंबर ऑन द अपर, तो इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन अपर फेस, तो देयरफॉर सी इक्वल टू क्या बनेगा, प्राइम नंबर, कौन कौन से प्राइम नंबर है छह में, टू थ्री एंड फाइव, तो प्राइम नंबर कौन से, टू थ्री और फाइव, तो फिर से एन ऑफ सी इज इक्वल टू थ्री, तो हो गया हमारे आंसर, राइट, सिंपल एकदम। तो क्या कंडीशन दिया, बस आप सैंपल स्पेस बनाना, जो भी एक्सपेरिमेंट है उसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, और इसी में हमारा सारा आंसर छुपा हुआ है जो आपको इवेंट दिए हुए, ठीक है, तो इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, इसी में से वैल्यूज हमको लेना, कंडीशन को क्या दिया उसके हिसाब से, इसके अलावा बेसिक चीजें मालूम चाहिए, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सब मालूम होना चाहिए क्या, ठीक है, इसी में से ढूंढना, तो इवन नंबर है टू फोर सिक्स, तो पहला सेट बन गया टू फोर सिक्स, ऑड नंबर है वन थ्री फाइव, तो दूसरा सेट बन गया, दूसरे इवेंट का सेट बन गया वन थ्री फाइव, उसी तरह से कितने एन ऑफ बी हम लिख लेते हैं, और तीसरा प्राइम नंबर है टू थ्री एंड फाइव, तो तीसरा बन गया, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, टू डाइज आर रोल्ड, ठीक है, टू डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब दो डाइस को हमने साइमल्टेनियस के साथ रोल किया, थ्रो किया, तो फिर से सैंपल पेस क्या बनेगा, 36, ठीक, क्या बनेगा, 36 सैंपल पॉइंट वाला बनेगा, जो हमने अभी देखा था सॉल्व एग्जांपल। सो हम एक्सपेरिमेंट लिख लेंगे, एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, टू डाइज आर रोल साइमल्टेनियसली, सो देयरफॉर यस क्या हो जाएगा, यस क्या होगा, सो वन 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 टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स
फिर टू वन टू थ्री टू फोर सॉरी टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स देन थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स देन फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स देन फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव सिक्स फाइव फाइव एंड फाइव सिक्स और लास्ट सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव एंड सिक्स सिक्स और ये हमारा रोल। तो इस तरह से जब भी दो डाई हम रोल करेंगे तो इस तरह से सैंपल स्पेस बनेगा। सो देयर फोर एन ऑफ एस क्या हो जाएगा 36 एन ऑफ एस 36। अब फर्स्ट इवेंट क्या है, इवेंट ए द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ सिक्स। फिर से सम ऑफ द जैसा वो एग्जांपल क्या हमने, तो मल्टीपल ऑफ सिक्स यानी सिक्स के टेबल में आने वाले, तो सिक्स के टेबल में कौन कौन से आते हैं, सिक्स वन जा सिक्स एंड सिक्स टू जा ट्वेल्व। तो हमें ऐसे पेयर ढूंढना है, ऐसे आउटकम चाहिए जिनका सम कितना आना चाहिए, तो सिक्स आना चाहिए ट्वेल्व आना चाहिए क्योंकि सिक्स से डिवाइड होने वाला, मल्टीपल ऑफ सिक्स मतलब सिक्स से डिवाइड होने वाला, सिक्स के टेबल में आने वाला। सो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस, तो दोनों के अपर फेस का सम सिक्स आना चाहिए या ट्वेल्व आना चाहिए क्योंकि वो सिक्स का मल्टीपल है। आगे धन्य, तो देखो किसका एडिशन सिक्स आता है, तो पहला हो गया वन फाइव, फिर यहां लिखेंगे हम नंबर वन देखिए इवेंट ए, कंडीशन लिख लेंगे इवेंट ए की, ठीक है आप लिख लो कंडीशन जो भी, यहां पर द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ सिक्स, यहां आपको लिख लेना ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट मल्टीपल ऑफ सिक्स, ठीक है मैं शॉर्ट में लिखा आपको पूरा करना है, यही सेंटेंस वहां लिखना है इवेंट ए। देयरफॉर ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कौन सा सेट बनेगा, पहला नंबर पहला आउटकम क्या होगा वन फाइव, फिर दूसरा टू फोर, सिक्स एडिशन आना चाहिए तो किसका एडिशन आ रहा है, फिर टू फोर का एडिशन आ रहा है सिक्स, फिर थ्री थ्री का एडिशन आ रहा है सिक्स, उसके बाद में फोर टू का एडिशन आ रहा है, फिर फाइव वन का एडिशन आ रहा है, फिर तो यहां तक हो गए सिक्स, ठीक है अब सिक्स वाले खत्म हो गए, वन फाइव टू फोर थ्री थ्री फोर टू और फाइव वन, तो ये सिक्स वाले हुए जिनका एडिशन सिक्स आता है, अब खत्म हो गए। अब हमें दूसरा नंबर कौन सा चाहिए ट्वेल्व, ठीक है तो ट्वेल्व एडिशन वाले देखो कौन कौन से है, तो एक ही होगा सिक्स सिक्स, ठीक है बाकी सबका एडिशन ट्वेल्व से कम होगा, तो हमें सिक्स एडिशन वाले और ट्वेल्व एडिशन वाले चाहिए थे, ठीक है तो कितना बन गया ये, सो देयरफॉर एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितने है वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये होगा एन ऑफ ए सिक्स। अब इवेंट बी, तो फिर से आप यहां कंडीशन लिख लेंगे द सम ऑफ और आखिरी क्या है मिनिमम टेन, ठीक है आपको पूरा लिखना है सेंटेंस, सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, मैं सिर्फ शॉर्ट में यहां आपको बता रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है उसमें लेंथ ज्यादा हो जाती है सब बड़ा होगा तो। चलो सो इवेंट बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज मिनिमम टेन, इसका मतलब क्या होगा सम ऑफ डिजिट, फिर से दोनों के फेस के ऊपर के डिजिट का हमें सम करना, लेकिन कैसे होना चाहिए मिनिमम टेन, कम से कम टेन होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो चलेगा, टेन और टेन के ऊपर वाले होना, जिनका सम टेन हो या टेन से ऊपर हो, कम से कम टेन उसके नीचे का नहीं, ठीक है तो टेन इलेवन और ट्वेल्व, तो सम क्या आना चाहिए ठीक है यानी दोनों भी वैल्यूज का सम, एक तो टेन आना चाहिए एक तो इलेवन आना चाहिए या ट्वेल्व आना चाहिए, समझ में आ रहा है, मिनिमम टेन का मतलब टेन कम से कम होना, उसके ऊपर रहेगा तो चलेगा। तो हमारा बी इवेंट क्या बन जाएगा, सबसे पहले नंबर टेन लेंगे तो कौन से दो नंबर का सम टेन आता है, तो यहाँ पहले रो में नहीं होगा, दूसरे में भी नहीं होगा, तीसरे में भी नहीं होगा, फोर्थ में आ जाओ,
तो क्या होगा 4 6 सो 4 6 फिर 5 5 और फिर 6 4 हो गया 10। अब 11 पे आ जाओ, 11 किस अब यहां से 5 6 5 6 and 6 5 ठीक है। और अब बच गया 12, तो 12 के लिए क्या होगा 6 6 हो गया। सो यन ऑफ बी क्या होगा कितने 1 2 3 4 5 and 6 तो ये भी 6 हो गया। अब इवेंट सी की तरफ आ जाओ, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, दोनों फेस के ऊपर सेम डिजिट होना चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6 ठीक है, दोनों भी फेस के ऊपर सेम डिजिट। तो थर्ड फिर से आपको इवेंट बी सी सॉरी यहां लिख लेना जो भी इवेंट है एज इट इज, और फिर उसका आंसर होगा देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्या होगा सेट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6 तो यन ऑफ सी क्या होगा 6 6 तो इस तरह से सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व होगा ठीक है। तो ये हो गया उसका सैंपल स्पेस, 2 डायगोनल थ्रो किया रोल किया तो ये सैंपल स्पेस बन गया एन ऑफ एस 36। पहली कंडीशन के हिसाब से सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस मल्टीपल ऑफ 6 आना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 6 दो नंबर है, एक है 6 और दूसरा 12, हमें ज्यादा से ज्यादा एडिशन 12 है, 12 के ऊपर नहीं जाना, तो दो ही नंबर है, तो 6 एडिशन आना चाहिए 12 आना चाहिए, तो 6 एडिशन वाले 1 2 3 4 और 5 मिले और 12 एडिशन वाला एक रिजल्ट मिला, तो एक सेट बन गया इवेंट का और उसके एन ऑफ ए 6 हो गए। उसी तरह से बी इवेंट बोलता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस मिनिमम 10, तो दोनों का सम कम से कम 10 होना चाहिए। अब कम से कम 10 का मतलब क्या होता है, उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं ठीक है, तो इसलिए 10 वाला में सम होना, फिर सम 11 आना चाहिए और सम 12 आना चाहिए, तो 10 वाले 3 हो गए 11 वाले 2 हो गए और 12 वाला 1 होगा। तो इस तरह से 6 इवेंट सी है द सेम डिजिट ऑन द बोथ, दोनों भी फेस के ऊपर सेम डिजिट आने चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6 तो ये सेट बनेगा, फिर से एन ऑफ सी 6 हो जाएगा ठीक है। तो नोट कर सकते हो इसको, जिन्होंने सवाल नहीं किए नोट कर लो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम देख रहे थे प्रैक्टिस सेट 3 5.3 ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 5.3 में एक क्वेश्चन है, उसमें 6 प्रॉब्लम्स दिए हुए, तो 3 प्रॉब्लम्स हमारे डिस्कस करके हुए, फोर्थ प्रॉब्लम ठीक है। तो फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 and 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अगर हमें, तो क्वेश्चन कैसा है, क्या दिया हमें 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म, 2 डिजिट नंबर हमें बनाना, 2 डिजिट नंबर जिसमें 2 ही डिजिट हो, अगर हमें कौन से, तो ये वाले जो डिजिट आपको दे इनका यूज करके हमें 2 डिजिट वाले नंबर बनाना है, तो कितने नंबर बना सकते हो बना लो, दैट इज आवर सैंपल स्पेस। अगर हमें अभी कैसे बनाना, फिर उसके ऊपर से हमें 3 कंडीशन जो थे उसके इवेंट बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या है जो एक्सपेरिमेंट दिया वो लिख लेंगे और उसके ऊपर से सैंपल स्पेस बनाएंगे। सो 2 डिजिट हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 and 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स एंड देयरफॉर सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर क्या बनेगा देखो, विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना, तो हमें क्या करना है, इधर का एक नंबर लेना है और बाकी सारे नंबर उसके सामने लगाना है, तो अगर हम 0 पहला लेंगे और सारे नंबर लगाएंगे तो 2 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, 0 से स्टार्ट नहीं होता कोई ठीक है, तो हमें पहला ये करना पड़ेगा, फिर इसके ये इसको कंसिडर करो और बाकी सब उसके आगे लगाओ, तो पहला नंबर क्या होगा 1 के सामने 0 लगाएंगे तो 10, 2 डिजिट नंबर बनाना है तो पहला नंबर बन जाएगा हमारा 10, फिर 1 के सामने 2 लगाओ तो 12, फिर 1 के सामने 3 लगाओ 13, फिर 1 के सामने 4 लगाओ 14, फिर 1 के साथ 5 लगाओ तो 15, तो 1 के साथ इतने नंबर पॉसिबल ठीक है। फिर आ जाओ 2 में फिर से, सो 2 0 2 1 रिपीट नहीं करना, 2 2 नहीं होगा, फिर 2 3 2 4 and 2 5 उसी तरह से 3 को कंसीडर करो, 3 0 3 1 3 2 3 4
थ्री फाइव। उसके बाद फोर को कंसिडर करेंगे, सो फोर जीरो, फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फाइव। उसके बाद लास्ट नंबर है फाइव, तो क्या हो जाएगा ये फाइव जीरो, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव। तो ये हो गया हमारा सेट। समझ में आया किस तरह से हमें नंबर फॉर्म करना, बहुत ही इजी है। अब यहां पहला जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से हम कंसीडर नहीं करेंगे, पहला जीरो नहीं लेंगे, तो हमें यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहला एक नंबर चूज कर लो और बाकी के सारे नंबर उसके आगे लगा दो, तो टू डिजिट नंबर बनेगा, ठीक है। तो पहला कंसीडर करो वन और सारे नंबर उसके आगे लगा, हो गया। फिर दूसरा नंबर कंसीडर करो, फिर सारे नंबर उसके आगे लगा दो, फिर तीसरा का इस तरह से हमें कंसीडर करना है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अगर ध्यान में तो इतने सारे नंबर, ये टू डिजिट नंबर है, तो इतने सारे नंबर ये डिजिट का यूज करके हम इतने नंबर्स बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। आगे ध्यान में तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा यहाँ, देयर फोर एन ऑफ एस इज इक्वल, क्या होगा एन ऑफ एस, कितने नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव। तो कितने नंबर बन गए, ट्वेंटी फाइव। तो एन ऑफ एस क्या हो गया, ट्वेंटी फाइव। अब हमारे इवेंट पे आ जाओ। सो नंबर वन कंडीशन फॉर इवेंट है, जैसा का वैसा लिख लेंगे आप। तो कंडीशन फॉर इवेंट ए, ठीक है। तो यही हमें यहां रिपीटेशन में लिख लेना, द नंबर फॉर्म इज इवन, तो देर को तो सेट क्या बनेगा, क्या बनेगा सेट, इवन नंबर होना चाहिए। तो जितने भी ये नंबर्स है जिनमें से इवन नंबर कौन कौन से है, तो वन टू, ठीक है, टेन है, ट्वेल्व है, ठीक है। तो सेट बना लेंगे हम, सो है टेन, उसके बाद में ट्वेल्व, फिर है फोर्टीन, तो सारे लिखते जाओ, फिर उसके बाद ट्वेंटी, ट्वेंटी फोर, थर्टी, थर्टी टू, फिर थर्टी फोर, फोर्टी, फोर्टी टू, फिफ्टी, फिफ्टी टू एंड फिफ्टी टू। तो ये नंबर्स हो गए इवन नंबर। तो जो हमारे ट्वेंटी फाइव नंबर्स बने उसमें से हमें कंडीशन इवेंट, इवेंट ये क्या बोल रहा है, द नंबर फॉर्म इज इवन, इवन नंबर होना चाहिए। तो जितने भी इवन नंबर है उसका सेट बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा इवेंट ए, ठीक है। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, कितने नंबर से काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टी। तो ये हो गया थर्टी, सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू थर्टी। आगे जल्दी, तो इस तरह से चलो आगे हम करेंगे, इतना लिख लो। अभी कंडीशन सेकंड क्या बोल रहा है, तो इवेंट बी के लिए कंडीशन दिया है, ठीक है। कंडीशन फॉर इवेंट बी, क्या है कंडीशन, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय थ्री। आगे ध्यान में, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय थ्री, क्या होता है इसका मतलब, तो जो भी नंबर हमारा फॉर्म हो रहा है, तो ऑलरेडी इतने सारे नंबर हमारे पास है, इसमें से जो डिवाइड थ्री से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर है उसका सेट बनाएंगे। सो द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय थ्री, ठीक है। अब कौन सा बनेगा, देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर जो थ्री से डिवाइड होता है ट्वेल्व, सो थ्री के टेबल में आने वाले, ठीक है, ट्वेल्व हो गया। उसके बाद फिफ्टीन, इसके बाद ट्वेंटी वन, ठीक है, फिर ट्वेंटी फोर, इसके बाद में आएगा थर्टी, फिर फोर्टी टू, ठीक है। ये सारे नंबर डिवाइड नहीं होते, ठीक है, थर्टी फोर भी नहीं होता, थर्टी फाइव भी नहीं होता, ठीक है, फोर्टी भी नहीं होता और फोर्टी वन भी, तो फोर्टी टू, उसके बाद फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव के बाद फिफ्टी वन, फिफ्टी वन के बाद
54, ठीक है। तो ये नंबर से जो 3 से डिवाइड होते, तो 3 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर है वो हमें लिख लेना। तो कितने मिले हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारा n ऑफ b क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो सेकंड इवेंट हमारा तैयार हो गया। अब हमारा कंडीशन 3 क्या है, इवेंट सी के लिए कंडीशन क्या है, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। सो नंबर 3 कंडीशन फॉर इवेंट सी, तो लिख लेना है एज इट इज, द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। तो क्या होगा, सेट सी ग्रेटर देन 50, 50 से बड़े नंबर होने चाहिए, तो कौन से, 51 52 53 एंड 50, हो गया ग्रेटर देन 50 बोल रहा। सो 51 52 53 54 एंड देयर ऑफ देयरफॉर एन ऑफ सी इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन, तो हमें ध्यान में रखना है जब भी इस तरह के आंसर आता है, कुछ डिजिट आपको दिए रहेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब आपको डिजिट्स कुछ दिए रहेंगे और 2 डिजिट नंबर बनाओ या 3 डिजिट नंबर बनाओ, तो सिंपल वे क्या होता है, एक डिजिट हमें कंसीडर करना है, सारे डिजिट उसके आगे लगाना है, फिर दूसरा डिजिट कंसीडर करो, सारे बचे डिजिट उसके आगे लगाओ, ऐसे करते जाओ, तो आपके सारे नंबर्स फॉर्म हो जाए आगे तक में। तो इस वे में आपको करना है।